जब दिल से धुआं उठा, बरसात का मौसम था। सौ दर्द दिए उसने जो दर्द का मरहम था। हमने ही सितम ढाए, हमने ही कहर तोड़े। दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहां दम था। देशपांडे होशियार रहना, दुश्मन दोस्त की शक्ल में आ रहा है। फिक्र मत कर जमदाड़े, इस सामरदाम जी को हमेशा के लिए वक्त से पहले अमर कर देंगे। सुना बहुत करोगे? देख लेंगे। आइए मिस्टर अमर, आइए आइए आइए। मेरा नाम जमदाड़े है, जमदाड़े जी। और मेरा नाम है देशपांडे, देशपांडे। आइए आइए ना। कमाल कर दिया सर आपने, इतनी बहादुरी से मंत्री जी की जान बचाई आपने, मजा आ गया। लेकिन अभी आप जरा थोड़ा संभल के रहिए, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। वैसे डरने की कोई बात नहीं है जब तक हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। हम दोनों इस ऑफिस के ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि यहाँ के मजबूत कंधे हैं, जिनके ऊपर ऑफिस का पूरा भार टिका हुआ है। शायद इसीलिए आपको दाया कंधा कुछ ज्यादा ही झुकी है। जी जी, नहीं तो नहीं। वैसे मुझे आप दोनों के कंधों पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। मुझे यकीन है कि अगर मैं मारा गया तो आप मेरी अर्थी को कांधा जरूर देंगे। क्या? लेकिन आप क्यों मरने लगे सर? मरे आपके दुश्मन और हम लोग पुलिस में जान गंवाने के लिए थोड़ी भर्ती में क्यों सर? मिस्टर जमदाड़े, मिस्टर देशपांडे, सच तो यह है कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए ही पुलिस में भर्ती होते हैं। मैं तैयार हूं, आप दोनों भी तैयार हो जाइए और अंदर आ जाइए। मॉर्निंग सर। सर, अमरदाम जी। ओ, वेलकम वेलकम अमर, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू यंग मैन। थैंक यू सर, प्लीज सिट डाउन। अमर, तुम्हें यहां एक स्पेशल मिशन के लिए भेजा गया है, पर तुमने तो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही साबित कर दिया कि तुम ही वो ऑफिसर हो जो इस शहर की तमाम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की जान की हिफाजत कर सकता है। एक बात और, तुम्हें उन लोगों का भी पता लगाना है जो देश में डिस्टरबेंस फैलाना चाहते हैं। यस सर, मैं पूरी तरह समझता हूँ कि मुझे क्या करना है। वो लोग जो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। गुड सर। मंत्री जी हैं, कैसे हो मजुमदार? ठीक हूँ, मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ दी? मैं इस बहादुर ऑफिसर का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसे बहादुर ऑफिसर शुक्रिया तक कबूल नहीं करते, कहते हैं कि ये तो मेरा फर्ज था। राइट मिस्टर अमर? दैट्स राइट सर। लेकिन मेरा फर्ज ये कहता है कि मैं तुम जैसे जाबाज ऑफिसर का शुक्रिया अदा करूं जिसने मेरी जान बचाई। सर, वो लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने आप पर हमला किया? आपको किसी पर शक है? मजूमदार, मैं अंधेरे में लाठी नहीं चलाता। इन आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे लिख दो, मैं फौरन साइन कर दूंगा। जय हिंद। ये अदालत रघुनाथ सिंह वर्द दशरथ सिंह को दफा नंबर 302 और 4 के तहत सजाए मौत करार देती है। अमरदाम जी, मैं इसी अदालत में ऐलान करता हूं कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भाई को मारा, मेरे मुन्ना को। कल तक मैं सुपारी लेता था दूसरों को खत्म करने के लिए, लेकिन आज मैंने अपने आप को सुपारी दी है तुझे खत्म करने के लिए। मैं तुझे खलास कर डालूंगा, खलास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुझे अब ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुना तूने? मैं अपने भाई की मौत का बदला लेकर आऊंगा। अमरदाम जी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये देख ले ये बात। ये कहा है भाई, ये कहा है? कुछ सौ घर में रहे
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था मंत्री जी। अरे भैया मैं अभी तक पूरा मंत्री नहीं बना हूं, मैं आधा अधूरा डिप्टी मंत्री हूं। आप लोगों की कृपा से एक तो विश्वास राव का पूरा गड़बड़ कर दिया, ऊपर से पूरी फौज लेकर आ गए मेरे घर में। तुमका भैया मेरी कुर्सी छीनवाने के चक्कर में होगा भाई, यहाँ पे विश्वास राव की सिक्योरिटी दुगनी हो गई है, दुगनी। और ये जो आपने हादसा किया तो उसकी तहकीकात के लिए क्या नाम है उसका? अमरदम जी। अमर, अमर नाम रखने से कोई थोड़ी ना अमर होता है। विश्वास राव को बाजू में करो, अमर को मार दो। नहीं, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों भाई क्यों? क्यों? वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है का? नहीं, वो रघु का शिकार है। ओ माता जी, रघु ने किसी लड़की की इज्जत पे हाथ नहीं डाला है जो हफ्ते भर में छूट जाएगा। टाड़ा में बंद है, टाड़ा में बंद है। और अमर को रघु मारे और कोई मारे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। गोविंद हमारा भाई था, उसकी मौत का बदला हमारे हिसाब से होगा। भैया तुम्हारे हिसाब से लो या मेरे हिसाब से लो, लेकिन जो कुछ करना है वो जल्दी करो। अगर अमरदाम जी मेरे पीछे पड़ गया ना तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। शांति, शांति। आ रही हूँ। जल्दी करो। चलो अमर, चलो। पापा। अरे तुम भी आ रही हो? हाँ, स्कूल की फीस भरनी है और मार्केट भी जाना है। अच्छा चलो, बैठ गई। हाँ। बेटा मैं दूध नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा। लेकिन क्यों? जब तक पापा नहीं आते मैं दूध नहीं पीऊंगा। हो कौन हो तुम? चोर? नहीं, इस घर का नौकर। और भाई तुम कौन है? इस घर का मालिक। अरे कमांडो अमर दाम जी। अमर नहीं, अमर, अमर। अमर, अमर साहब। रह नहीं, रह, रह। रह, वो ही तो बोल रहा हूँ। साईं, ये चोर की माफक पीछे के दरवाजे से आने की क्या जरूरत थी? अरे लोहे का सरिया लग जाता तो ये चरिया तो अंदर हो जाता। नहीं, एक मिनट साईं, सिर्फ एक मिनट। कौन है अंदर? कोई नहीं, गो, जा सकते हैं। तुम तो कोई पहुंचे हुए जासूस लगते हो। पहचान लिया, पहचान लिया झूलेलाल, हीरा नंदानी के अंदर छिपे हुए हीरे को पहचान लिया साहब ने। हाँ, मैं खोल दूंगा। तुमने ट्रेनिंग कहाँ से ली? किसी से नहीं, सेल्फ मेड, मेड इन इंडिया। जासूसी की किताबें पढ़ के मेरा दिमाग चला है। वो तो तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। अरे सैनेजर कैसे नहीं आएगा, मेरे खून में है। मेरे नाना अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे, नजर तो आएगा नहीं। फिर आप अभी तक इंस्पेक्टर कैसे नहीं बने? आप क्या समझते हो मेरे को नहीं बनना? ये पुलिस डिपार्टमेंट नहीं बनने देती। साईं, एक बार इंस्पेक्टर की वर्दी मिल जाए फिर आप देखना। साईं, अभी तो आप इधर आ गए हो, मेरे लिए कुछ करो। नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। फिलहाल आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? वाटे? एक कप चाय मिलेगी? अरे साईं, चाय क्या, शरबत, नींबू पानी, सब कुछ मैं ही पिलाऊंगा। इस घर में आप हैं तो मैं।